हम ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा पाप करते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो ईश्वर की दृष्टि में क्षमा प्राप्त करने योग्य नहीं होती है। क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में सुनते हैं कि प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मानव पुत्र के विरुद्ध कहने पर हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा करने पर हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। हम ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा पाप करते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो ईश्वर की दृष्टि में क्षमा प्राप्त करने योग्य नहीं होती है। इस सवाल का जवाब प्रभु यीशु आज हमें सुसमाचार में ही पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसको बतलाते हुए हमें देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि हम बंदीगृह में डाले जाएंगे तो उस वक्त हमें क्या करना है, क्या कहना है, उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारा सलाहकार है वह हमारे पास आएगा, हमारे हृदय के अंतरतम में आवाज़ दे करके हमें क्या करना है वह हमें बतलाएगा। इसी प्रकार क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम हमारे जीवन में अपराध करते हैं, पाप करते हैं, उस वक्त पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, हमारे हृदय के अंतरतम में आवाज़ दे करके कहता है कि हमारे पाप के प्रति, हमारे अपराध के प्रति हमें ईश्वर के पास आ करके क्षमा की याचना करना है, उसे क्षमा मांगना है। और जब मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन करके मैं यह इनकार करते हुए कहता हूँ कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि ईश्वर मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता है, जब मैं ईश्वर के सामने पवित्र आत्मा की यह सलाह को अस्वीकारते हुए अपने पापों को उसकी दया से बढ़कर मानता हूँ, तो मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध मैं अपराध करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो सलाह है हमारे पापों के प्रति पश्चाताप करने का, उस सलाह को इनकारते हुए मैं अपने पापों को ईश्वर की दया से बड़ा मानता हूँ, इसलिए मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपराध करता हूँ। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब कभी हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंतरतम में आकर के हमसे यह आवाज़ दे करके कहे कि हमें अपने अपराधों की क्षमा के लिए ईश्वर के पास पश्चाताप करना है, तो उस आवाज़ को हमें पहचानना है, स्वीकारना है और ईश्वर की दया के प्रति ईश्वर के सामने अपने पापों को लेकर के हमें पश्चाताप करना है। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को मैं सुनता हूँ, उसकी सलाह को मैं मानता हूँ। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, कृपा मांगें कि हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार कार्य करते हुए प्रभु के बताए हुए पथ पर हम चलें। आमीन।